जुड़वा 2 के हीरो वरुण धवन है हनुमान जी के भक्त? जुड़वा 2 की किस हीरोइन के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अकेले रहे? कब से शुरू होगा फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम? हेलो नमस्कार और स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। आज के वीडियो में मैं यानी कि आपकी होस्ट रंजनी हाजिर हूँ देने के लिए आपको कुछ चटपटी खबरें बॉलीवुड के गलियारों से। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सुपरहिट जुड़वा सीरीज की। जुड़वा सीरीज बॉलीवुड की एक सफल सीरीज में से एक है। जुड़वा सीरीज की खास बात यह है कि हर सीरीज में अलग अलग एक्टर ही लीड रोल में दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कि जुड़वा 2 के हीरो हमारे कूल बॉय वरुण धवन हनुमान जी के भक्त है? जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल बीते दिनों वरुण धवन ने हनुमान जयंती के मौके पर भगवान श्री हनुमान जी की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी, जिसमें उन्होंने लिखा, हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ उन्होंने हनुमान चालीसा के दो लाइन, जय हनुमान अज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, लिखकर सजा दिया। इसके बाद फैंस ने वरुण के कमेंट सेक्शन जय श्री राम और जय श्री हनुमान से भर दिए। इसके बाद ही आपको बता दें कि जुड़वा 2 के हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस ने अपने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता नहीं चाहते कि वो अकेली रहे। उनके माता पिता चाहते हैं कि वो उनके साथ बहरेन में रहे, और वही उनके कजिन्स चाहते हैं कि वो श्रीलंका में उनके पास रहे। इसके साथ जैकलिन ने यह भी कहा कि वो इंडिया में ही रहना चाहती है। वही अगर बात करें जुड़वा 3 की, तो फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं। अभी तक मेकर्स ने इसकी स्क्रिप्टिंग या कास्ट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। इससे जुड़ी खबर मिलते ही हम आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। अपनी फेवरेट मूवी जुड़वा 3 से जुड़े अपडेट्स लेने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के हर एक अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया है और आपको क्या नया जानने को मिला है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।